हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसके द्वारा होने वाली घटनाओं को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसे लंबाई में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। ये सभी घटनाएं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण होती हैं। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर टू, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नंबर वन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर टू, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हो गया हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के लॉ पर डिपेंड करते हैं। तो न्यूटन के लॉ के बेस पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, यदि बाह्य बल जीरो है, एफ बराबर जीरो, उस कंडीशन में एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण की वैल्यू जीरो होगी। एम ए बराबर जीरो, ए बराबर जीरो, यानी कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। किसी पोजीशन एक्स वाई जेड है, यहाँ एक पॉइंट पी है, अगर इस पॉइंट के लिए हम पोजीशन एक्सप्लेन करें तो आर बराबर आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, ये उसका पोजीशन होगा। और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम जो आई है, जे है, आई जे और के क्या है? हमारे यूनिट वेक्टर हैं। और ये यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर हैं। इनके लिए एक्सीलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जब किसी सिस्टम पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, उस कंडीशन में उसका त्वरण जीरो होगा, इसलिए उस पार्टिकल की पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि एक्स वाई और जेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है कि पॉइंट पी क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ की एंड न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है, यदि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यदि मोशन स्टेट में है, कहने का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि न्यूटन के नियम ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन स्टेट में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन
नहीं होता है तो ये कहलाता है f बराबर 0 और a बराबर 0। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करेंगे और दिखाएंगे रेस्ट में क्या होगा। अगर कोई प्लेस पर या किसी जगह पर या यहाँ पर कोई टेबल रखी है और उस टेबल पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में ये टेबल रखी है तो रखी रहेगी, यानी कि रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इस टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है तो वो भी क्या होगी, रेस्ट पोजीशन में होगी क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। इसी तरीके से एक साइकिल है, इस साइकिल के खड़े हुई है और इस साइकिल पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये क्या रहेगी, रेस्ट पोजीशन में रहेगी। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक ये न्यूटन के नियम का पालन करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, यदि कोई सिस्टम मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन करना है, परिवर्तन करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होता है। जैसे ये एक बॉल है, जब कोई बॉल फेंकी जाती है उस कंडीशन में वो वी वेलोसिटी से मोशन करती है और उसकी वेलोसिटी में यदि परिवर्तन करना है तो हमको उस बॉल पर फोर्स अप्लाई करना होगा। इस बॉल पर हमने वेट की हेल्प से फोर्स अप्लाई किया, हमने उसको हिट किया, जिसके कारण ये बॉल पहले इस वेलोसिटी से इस बैड की तरफ आ रही थी, फिर ये इस डायरेक्शन में मोशन करने लगती है। इसका मतलब है फोर्स अप्लाई करने के कारण इस बॉल की वेलोसिटी में परिवर्तन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, यदि कोई सिटिल है और इस सिटिल को हम जब खेल रहे होते हैं उस कंडीशन में सिटिल हमारी तरफ जिस वेलोसिटी से आती है उस वेलोसिटी में जब हमें परिवर्तन करना होता है तो इस सिटिल को हम रैकेट के द्वारा मारते हैं और जिसके कारण इस सिटिल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस पर भी क्या है, एक फोर्स अप्लाई किया गया। तो न्यूटन का नियम भी यही कहता है कि यदि कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यदि मोशन स्टेट में तो मोशन स्टेट में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो हमने पहला एग्जाम्पल क्या बताया आपको, टेबल, बुक और साइकिल क्या थी, रेस्ट में थी, रेस्ट में रहेंगी। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिखाया कि कोई वॉल आ रही है, कोई सिटिल आ रही है, उन सिटिल या वॉल पर जब तक बाह्य बल नहीं लगा तब तक उनकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही न्यूटन का नियम कहलाता है। न्यूटन का नियम हर बॉडी पर अप्लाई होता है लेकिन कुछ जगह न्यूटन का नियम अप्लाई नहीं होता है। इसका कारण क्या है, किस जगह पर न्यूटन का नियम अप्लाई नहीं होता है, वो कौन सी चीज है, कौन सा पॉइंट है जहां न्यूटन का नियम अप्लाई नहीं होता है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमने कहा न्यूटन के नियम सभी जगह लागू होते हैं लेकिन जरूरी नहीं, कुछ जगह न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं। देखिए ये एक बस या ट्रेन, हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम बस भी कह सकते हैं, इसको हम ट्रेन भी कह सकते हैं। इस ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति ट्रेवलिंग कर रहा है, यानी कि यात्रा कर रहा है। इस व्यक्ति के कारण, यानी कि ये व्यक्ति जब ट्रेन में बैठ जाता है उस कंडीशन में इसके एक्स, वाई और जेड यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाते हैं और ये व्यक्ति ट्रेन के साथ रेस्ट पोजीशन में
होता है, तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, यानी कि जब ट्रेन मोशन कर रही है, गति कर रही है, उस कंडीशन में ये व्यक्ति उस ट्रेन में रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट पोजीशन का मतलब है ना इसकी एक्स में परिवर्तन होगा, ना इसकी वाई में परिवर्तन होगा, ना इसके जेड में परिवर्तन होगा, और ये व्यक्ति उस ट्रेन में रेस्ट पोजीशन में होगा। कुछ समय बाद ट्रेन में ब्रेक लगते हैं और ब्रेक लगने के कारण ट्रेन रुकती है। जब ट्रेन रुकती है उस कंडीशन में ये व्यक्ति आगे की तरफ गिर जाता है या आगे की तरफ झुक जाता है। इस तरह से पहले ये इस पोजीशन में था, फिर ये इस पोजीशन में पहुंच जाता है, यानी कि ये आगे की तरफ झुक जाता है। इसके झुकने का कारण क्या था? क्या इसके पास कोई बैठे हुए व्यक्ति ने इस पर फोर्स लगाया? नहीं, जो व्यक्ति जिस जगह पे बैठे थे वो व्यक्ति उसी जगह पे बैठे रहे, इसके ऊपर किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया। तो कहने का मतलब इस पर फोर्स लगा कहाँ से, ये क्या कारण है जो फोर्स लगा? तो जब ये ब्रेक लगते हैं उस कंडीशन में जो मोशन स्टेट में फ्रेम था, उस मोशन स्टेट के रुकने के कारण इस व्यक्ति की पोजीशन चेंज होती है, यानी कि रेस्ट स्टेट में है, और रेस्ट स्टेट में होने के कारण जब वहाँ ब्रेक लगते हैं उस कंडीशन में इस व्यक्ति की पोजीशन चेंज होती है, और पोजीशन चेंज होने के कारण ये व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। कहने का मतलब है इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये व्यक्ति आगे की तरफ गिर जाता है। इस कंडीशन में जब ये व्यक्ति आगे को वेंड होता है, उस कंडीशन में ये कहा जाता है कि ये न्यूटन के नियम का पालन नहीं कर रहा है, या इस पर न्यूटन का नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति पे तो किसी ने फोर्स लगाया ही नहीं था, तो ये आगे की तरफ क्यों चला गया? तो इसका कारण है कि जब ये रिलेटिविस्टिक मोशन में था उस कंडीशन में ये रेस्ट में था, जैसे फ्रेम ब्रेक लगते हैं इसके फ्रेम में परिवर्तन होता है तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को क्या नाम दें? तो यहाँ तो न्यूटन का नियम फेल हो गया, तो इस न्यूटन के नियम को लागू रखने के लिए, यानी कि न्यूटन का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए या नियम को लागू रखने के लिए, इस यहाँ पर हम कुछ टर्म को जोड़ देते हैं, कुछ पद को जोड़ देते हैं, जिसके कारण न्यूटन का नियम अप्लाई हो सके या अप्लाई हो जाए। देखिए कैसे लगता है, अब हम एक प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकली प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। इसमें मैंने एक स्टैंड रखा है, इस स्टैंड से मैंने एक रिंग को बांध रखा है, जिसको किसी एक स्ट्रिंग की सहायता से, एक धागे की सहायता से मैंने इस रिंग को बांध रखा है। मैं इस रिंग पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा और इसकी पोजीशन में परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन किस डायरेक्शन में होगा ये मैं देखना चाहता हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए जब मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँगा उस समय पर इस रिंग की मोशन किस डायरेक्शन में होगी ये आप देखते रहें। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जब मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और ये रिंग गई इस डायरेक्शन में। एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ कि ये इस समय बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, साम्य अवस्था में, जब मैं फोर्स लगाऊंगा, देखिए ये देखिए जब मैंने फोर्स लगाया
उस कंडीशन में ये जो रिंग है वो एक्स डायरेक्शन में मोशन करती है, यानी कहने का मतलब है रिंग जो है अपने सेंटर से इतना चली जाती है, यानी कि वो एक्स दिशा में विस्थापित हो जाती है, यानी एक्स डायरेक्शन में मोशन करती है। और ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव, यानी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन करेगी। लेकिन फोर्स तो मैंने इस डायरेक्शन में लगाया था, फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ। तो हम कह सकते हैं, मान लो इस बॉडी पर कोई फोर्स कार्य कर रहा है, तो इस बॉडी पर जो फोर्स कार्य कर रहा है उस फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं। इस सूडो फोर्स के कारण ये क्या है, हम कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट मिलतेगा, या हमको अपोजिट डायरेक्शन में ये गति करता हुआ महसूस होगा, तो उस फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं। ये सूडो फोर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि सूडो फोर्स किस तरह से अप्लाई हो रहा है और ये सूडो फोर्स किन किन टर्म में है। देखिए एक सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रखी है। इस सर्कुलर डिस्क के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आपकी एक वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये इसकी वाई एक्सिस हो गई, और ये इस डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का सेंटर है। इस पर हम एक पॉइंट, एक पार्टिकल्स इसकी सेंटर पर रखते हैं। जब हम इसे इस तरीके से फोर्स लगाकर रोटेट करते हैं, उस कंडीशन में रोटेट होने के कारण ये पार्टिकल इस तरह से मोशन करता हुआ इस सर्कमफ्रेंस की तरफ पहुंच जाता है, यानी परिधि की तरफ पहुंच जाता है। तो इसका जो पाथ है वो इस तरह से यहाँ से ये वेंड होकर इस जगह पे पहुंच जाता है, यानी कि इस सेंटर से यहाँ पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है, जब हम इस फ्रेम को रोटेट करते हैं, यानी रोटेट किसको करते हैं, एक्स वाई फ्रेम को जब हम रोटेट करते हैं, उस कंडीशन में ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है। तो इसका कारण क्या है, हमने तो सर्कुलर डिस्क को रोटेट किया, जो सिस्टम या जो पार्टिकल इस डिस्क के सेंटर पे रखा था उस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, हमने तो केवल इस डिस्क को सर्कुलेट किया, इस डिस्क को रोटेट किया। इस डिस्क के रोटेट होने के कारण इस पार्टिकल पर या इस सिस्टम पर एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी डायरेक्शन आउटसाइड में, यानी कि इसकी डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है, और ये जो है इस तरह से बाहर की तरफ कार्य करता है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, केंद्र की आउटसाइड में कोई तो फोर्स है जो केंद्र से बाहर की ओर कार्य कर रहा है, उस बल को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अभी केंद्र बल जो बाहर की तरफ कार्य कर रहा है, मान लो कोई बल तो लग ही रहा है, जो बाहर की ओर कार्य कर रहा है उस बल को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, यानी कि अभिकेंद्र बल कहते हैं। जब ये सिस्टम इस
के अकॉर्डिंग मोशन करता है। मोशन करते समय उस सिस्टम की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई होता है। इस फोर्स के कारण उस सिस्टम की या उस बॉडी की जो मोशन है, यानी मोशन करते समय उसका जो कर्व है, जो उसका पाथ है, वो एक कर्व टाइप का हो जाता है, यानी कि एक पैराबोला टाइप बन जाता है, ये कर्व बन जाता है। इसका कारण क्या है, ये किस फोर्स के कारण इसका पाथ कर्व में बदल गया, उस फोर्स को हम कोरोलियस फोर्स कहते हैं। यानी कि जिसके कारण इसका पाथ जो है कर्व नुमा हो जाता है, वो कोरिलियस फोर्स के कारण हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो सूडो फोर्स हैं, वो सूडो फोर्स दो प्रकार के होते हैं। यहां से नंबर वन और नंबर टू, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरिलियस फोर्स। उस कोरिलियस फोर्स का कारण क्या है, जब कोई फ्रेम अपनी एक्सिस के सापेक्ष रोटेट करता है, उस कंडीशन में दो फोर्स कार्य करते हैं, एक कोरिलियस फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम कह सकते हैं जितने फ्रेम रोटेट होते हैं या घूर्ण करते हैं, वो सभी फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं, क्योंकि इनमें न्यूटन का नियम लागू नहीं होता है। पृथ्वी भी यानी अर्थ भी हमारी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन नॉन इनर्शियलिटी बहुत कम होती है, यानी कि अर्थ की नॉन इनर्शियलिटी स्मॉल बॉडी के लिए बहुत कम होती है, इसीलिए हम उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं और हम एक इनर्शियल फ्रेम की तरह उसको बिहेव करते हैं। हम कहते हैं कि ये एक छोटी बॉडी के लिए एक इनर्शियल फ्रेम है। तो देखिए, तो कहने का मतलब है जो हमारे रोटेटिंग फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, वो सभी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन अर्थ नॉन इनर्शियल है, फिर भी हम नॉन इनर्शियलिटी अप्रोक्सीमेट लेते हैं, जिसके कारण स्मॉल बॉडी के लिए एक इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करती है। देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिनमें न्यूटन के न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है, यानी पहला नियम लागू होता है तो दूसरा भी लागू होगा, क्योंकि दूसरा का मतलब क्या, एफ बराबर एम ए, तो एफ बराबर क्या एम ए, तो वहां पर पहला और दूसरा नियम लागू होता है, वो हमारे इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेज रखी हुई, मेज पर रखी हुई किताब, ये सभी क्या है, इनर्शियल फ्रेम के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नॉन इनर्शियल फ्रेम जिन जिनमें न्यूटन का प्रथम नियम लागू नहीं होता है, उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं।
जिनमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं उन्हें इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, जिनमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इस चैप्टर में हम जो भी बात करेंगे वो सब इनर्शियल फ्रेम की बात ही करेंगे, और इनर्शियल फ्रेम के लिए ही हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा था इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इनर्शियल फ्रेम से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।